राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। ये जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। देश के जितने सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों का एक लंबे समय से डिमांड था कि हमारा सेंट्रल पेंशन स्कीम को जो पुरानी थी वही लागू किया जाए। बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफी 2.5-3 साल रहे तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था। राहुल गांधी के द्वारा जातीय जनगणना पर सवाल उठाने के बाद देखिए दिल्ली सांसद मनोज तिवारी का ताजा बयान आया है। ऐसे में दिल्ली से पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने कहीं ना कहीं जमकर निशाना साधा है राहुल गांधी पर। ऐसे में तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है। ऐसे में मनोज तिवारी का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की मेंटल चेकअप की जरूरत हो गई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे अगर जाति पूछी जाती है तो वो गाली उसको कहते हैं, और ऐसे में लोगों के जातीय जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के द्वारा जो उस तरीके से अपराध के साथ बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर मनोज तिवारी ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव भी सत्ता में थे, ऐसे में उन्होंने तो 500 नौकरियां तक नहीं दी और वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यह साफ कहा कि हम वादा तो नहीं करेंगे कि इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन जिस तरीके से बिहार को बजट दिया गया है, बजट जिस तरीके से तमाम चीज़ों को देखते हुए दिया गया, इसको देखते हुए काफी कुछ इससे होगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे दिल्ली सांसद मनोज तिवारी, वो सुने। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है, उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई, तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये देश अपनी प्रतिभाओं से जिसको जो आगे बढ़ना होता है बढ़ता है, और इस देश के हर बच्चे में प्रतिभा है। ज़रूरत है समय पे उस प्रतिभा को तराशने की, लेकिन पता नहीं क्योंकि इन लोगों को इतना दिन से सत्ता में रहने का आदत हो गया था राहुल जी को, कि सत्ता से निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो। पेंशन पॉलिसी सर बात की गई है, इस देश के जितने सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों का एक लंबे समय से डिमांड था कि हमारा सेंट्रल पेंशन स्कीम को जो पुरानी थी वही लागू किया जाए, और आप सबको जानते हुए बड़ी खुशी की बात है कि 2 दिन पहले सेंट्रल पेंशन स्कीम को नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। अभी हम और ललन सिंह जी साथ में ही आए फ्लाइट से, वो भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, और मैं समझता हूँ ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की जब नौकरी ख़त्म हो रही होगी या जब वो छोड़ रहे होंगे तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा, और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र मोदी जी को सभी मामलों में बिहार पीछे बेरोजगारी महंगाई और भी कई सारे मामलों को उठा रहे हैं। देखिए वो तो खुद भी रहे,
एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफ़ी 2.5-3 साल रहे तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था, लेकिन 500 को भी नहीं दे पाए। तो तेजस्वी बाबू को मैं इतने कहना चाहूँगा, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के हर एस्पिरेशन को हमने पूरा कर दिया है, लेकिन बिहार बहुत तेज़ी से विकसित राह पे चल रहा है और बिहार को इस बजट में 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उसका तो विरोध कर रहे थे तेजस्वी बाबू। आप अगर विपक्ष में हो के भी बिहार के समर्थक हैं तो बिहार में जो इस बजट में स्पेशल दिया गया है टोटल देखेंगे तो करीब 48,000 करोड़ का इसी बजट में है, लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय तेजस्वी बाबू को आदत पड़ गई है केवल विरोध करना है। मुझे लगता है जो बिहार को प्यार करता है वो बिहार के हर बेहतरी को स्वीकार भी करेगा। राहुल गांधी आपने सुन लिया, मनोज तिवारी ने साफ कहा है एक मेंटल चेकअप की जरूरत है राहुल गांधी को और ऐसे में मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधते उन्होंने साफ कहा है कि 500 नौकरियां तक इन्होंने नहीं, क्या लोग बात कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।